वार्ड 22 से आजाद उम्मीदवार रूमन देवी ने आज अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। रूमन देवी के पति इसी वार्ड से पार्षद बने थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, जो बचे काम हैं उसके लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। हमारे वार्ड से प्रवेश नैन खड़े हुए हैं, अच्छा चुनाव होगा, बढ़िया चुनाव होगा, जीतेंगे। आप वोट जो आप कैंडिडेट चुनने वाले हैं, क्या खूबियाँ रहेगी, किस तरह का आप उनसे काम चाहते हैं? बहुत बढ़िया काम अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे, आगे भी काम अच्छे करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह। ये रहने वाले, ये कौन सा वार्ड पड़ता है? 22 वार्ड पड़ता है। तो किस तरह का आप कैंडिडेट ढूंढने वाले हैं? कैंडिडेट हमारा पहले भी ये प्रवेश नैन था, अभी प्रवेश नैन की मिशी खड़ी हुई है। सोल्ड कैंडिडेट ना हेरा फेरी लड़ना देना कुछ नहीं है। जो इन्होंने पिछले काम किया, आप उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, आज तक जो गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो इन्होंने 6 महीने में करके दिखा दिया। कैसा चुनेंगे आप, किस तरह की उम्मीद करते हैं? बहुत अच्छा है जी, 22 वार्ड से बहुत अच्छा, बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे करेंगे। ठीक है, हमारी ये सोच है भाई, हमारा भैया जीतना चाहिए, हमारा MC साहब बहुत अच्छा है, ये बहुत विकास करवाएंगे। अब भी उन्होंने बहुत किया है, लेकिन आगे और भी सुधार करवाएंगे कॉलोनियों में। किस किस तरह का सुधार करने वाले हैं आप, क्या आपके प्लानिंग रहेगी? सड़कें, नालियाँ वगैरह जो भी है, नाले, सीवर, पानी, सब कुछ विकास, पब्लिक के हेल्थ में विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? रोमन। जब मैं पार्षद बना था 22 वार्ड में, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मेरी माताओं का, बहनों का मुझ पर आशीर्वाद था, तो उनके आशीर्वाद से, शौक से ही मैंने वार्ड में विकास की, जितना भी विकास कर सका उनके आशीर्वाद से कर सका। पहले यहाँ पे मेन मेन नाले नहीं थे, पार्कें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इन सभी के शौक से, स्ट्रीट लाइट, जो भी हमने काम किया सभी शौक से किया। जो हमारे मेन मेन काम है, हमारे पतरा कॉलोनी में एक भी पार्क नहीं थी, हमने 45 लाख की पार्क बनवाई, एक भी नाला इतना कच्चे नाले थे, हमने पक्के नाले बनवाए। उसके अलावा मेरे वार्ड पे एक भी सफाई कर्मचारी नहीं था, हमने 25 सफाई कर्मचारी भर्ती करवाई। उसके बाद एक भी हमारे पास डिस्पेंसरी की जो हालात थी वो बहुत ख़राब थी, मैंने वहाँ पे MBBS डॉक्टर की भर्ती करवा के हम लोगों की सुविधाएँ के लिए 35 आशा वर्कों की भर्ती करवाई। उसके अलावा जो भी छोटी मोटी सुविधाएँ हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो हमने उनके लिए घर के दरवाजे खुले खोल रखे, कोई आओ, इसीलिए कोई भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं है।